वेलकम माई क्लास, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन द बॉय हु बोरोड। यस बेटा, इन दिस पैराग्राफ वी आर गोइंग टू स्टडी कि वॉट हैपन्ड वैन बैनी हर्ड द वॉइसिस ऑफ बुक्स। आफ्टर दैट देयर वॉज साइलेंस। अब बुक्स आपस में बातें कर रही थी, बट आफ्टर सम टाइम देयर वॉज साइलेंस। बैनी वेंट बैक टू बेड। बैनी अपने बिस्तर पर वापस चला गया था। ट्रेवलिंग, बेटा ट्रेवलिंग होता है शिवरिंग, कांपना। अब डर के मारे वो कांप रहा था। ऑफकोर्स व्हेन वी हियर समथिंग, व्हेन वी हर्ड सम नॉइसेस आउटसाइड द डोर, डेफिनेटली एंड अनएक्सपेक्टेड वॉइसेस तो हमें डराई देती है ना। ये बैनी के साथ भी हो रहा था। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। उसे बेटा ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही फेल अस्लीप एंड व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग ही लॉफ्ड। फिर वो सो गया और जब वो सुबह उठा ही लाफ्ड, वो हंसा। ओ मदर ही सेड एट ब्रेकफास्ट टाइम। नाश्ते के समय उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आई हैड सच अ फनी ड्रीम। कहता है, मम्मी मुझे एक बहुत ही ज़्यादा मजाकिया सा सपना आया लास्ट नाइट। पिछली नाइट मुझे एक बहुत ही मजाकिया सपना आया। आई ड्रीम्ड दैट ऑल माई बुक्स वेंट वॉकिंग डाउन स्टेयर्स एंड रैन अवे। मैंने सपने में देखा कि सभी मेरी बुक्स चल रही हैं, सीढ़ियाँ उतर रही हैं एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग गई थी। वेल वेल, वॉट अ क्वियर ड्रीम टू हैव, सेड मदर। मम्मी कहती है, ठीक है ठीक है, बहुत ही अद्भुत सा ड्रीम था। बट वॉट डू यू थिंक, लेकिन तुम क्या सोचते हो। वैन बैनी वेंट टू गेट हिज स्कूल बुक्स दैट मॉर्निंग ही फाउंड हिज बुक शेल्फ क्वाइट एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर हिज ओन बुक्स। अब बेटा वैन बैनी, जब बैनी अब सुबह अपनी स्कूल की बुक्स लेने गया ना उस सुबह, तो उसने देखा कि उसके बुक शेल्फ जो था वो बिल्कुल क्वाइट एम्प्टी, मतलब लगभग खाली था। उस बुक शेल्फ में सिर्फ उतनी ही बुक्स थी जो उसकी अपनी थी, अपनी परचेज की हुई थी, अपने क्रिसमस मनी से वो लेता है ना। ऑल द अदर्स हैड गॉन, और बाकी सभी जा चुकी थी। हाउ मैनी बुक्स डिड बैनी हैव, इट्स ऑन 8 books। यस बेटा, बैनी सेट डाउन सडनली। अब बैनी अचानक ही बैठ गया था। बिकॉज हिज लेग्स फेल्ट क्वियर, क्योंकि उसकी लेग्स जो है ना वो मतलब घबराहट के मारे जैसे चलना बंद कर गई थी, जम गई थी वहीं पर। सो इट हैडन्ट बीन अ ड्रीम, इसका मतलब ये एक सपना नहीं था। इट वॉज रियल, ये सच्चाई थी। इट हैड हैपन्ड, ये हुआ था। दोज बुक्स ही हैड बोरोड हैड गॉन ऑफ इन अ टेम्पर एंड लेफ्ट हिम। कहता है जो बुक्स उसने उधार ली थी, कहता है कि वो गुस्से में उसे छोड़कर चली गई थी। दे वुड ऑल बी बैक विद देयर ओन राइट ऑनर्स नाउ। अब वो पक्का ही अपने असली मालिकों के पास, राइट ऑनर्स के पास चली गई।